अगली खबर की ओर। हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां चुनावों की तैयारियों में जुट चुकी हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि हरियाणा में 15 दिन में 45 रैलियां करने का एक रिकॉर्ड बनाया है, जिस पर हरियाणा के परिवहन, महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने तंज कसते हुए आपको वोट कटुआ पार्टी बताते हुए कांग्रेस को बी टीम बताया। उन्होंने कहा कि दोनों मिलकर एक फिक्स मैच खेल रहे हैं। वहीं उन्होंने हिंड्सबर्ग को भी कांग्रेस पार्टी का टूल बताते हुए उसका नाम बदलकर कांग्रेस वर्ग रखने की सलाह दे डाली। असीम गोयल बुधवार को अंबाला पुलिस व शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित तिरंगा यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि हरियाणा में उन्होंने 15 दिन में 45 रैलियां करने का रिकॉर्ड बनाया है, जिस पर तंज कसते हुए हरियाणा के परिवहन, महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने कहा कि 90 रैलियां भी कर लें तो क्या फर्क पड़ता है, किराए की भीड़, किराए के लोग, किराए के ही मुद्दे हैं इनके। अंबाला से निखिल शोभती की रिपोर्ट। जिन लोगों ने इंस्पेक्टरी राज को पनपाया, जिन लोगों के टाइम पे लोग त्रस्त थे, व्यापारी त्रस्त थे, जिनसे हफ्ते मांगे जाते थे, अगर हुड्डा साहब ये सोचते हैं कि उनको व्यापारी इस हरियाणा की नहीं भारत की रीढ़ है और व्यापारी जानता है कि किसके राज में क्या हुआ। इसी अंबाला के अंदर कोई शोरूम नहीं बना सकता था, उनके गुर्गों को हिस्सा पत्ती देनी पड़ती थी, हफ्ते देने पड़ते थे। हुड्डा साहब पहले आगे स्पष्टीकरण दें कितने शोरूम यहाँ उनके समय में बने हैं और कितना विकास हमारे यहाँ हुआ। मैं उनको पूरा जवाब दूंगा। जो उनके गुर्गे हफ्ता लेते थे, उनके गुर्गे कमीशन खाते थे, उसका पहले श्वेत पत्र जारी करें। और मैं हुड्डा साहब के लिए कहना चाहता हूँ, ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाच।